संजय जी का एक प्रश्न आया था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अंबानी की तरह रईस हैं और कुछ लोग जीवन भर मेहनत ही करते रहते हैं। कुछ लोग अंबानी की तरह रईस हैं या कुछ लोग ऐश्वर्या राय की तरह बहुत खूबसूरत हैं, तो यहाँ पे कौन सी ऊर्जा काम करती है, कौन सा नियम काम करता है कि कुछ लोग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ के साथ पैदा होते हैं और यदि पैदा नहीं भी होते तो आगे चलकर वो अपने जीवन में बहुत कुछ विशेष हासिल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ये बात जानते हैं कि ये प्रकृति शब्दों को नहीं समझती। इस दुनिया में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और जो भाग्य है, ऊंचा भाग्य तो किसी गूंगे व्यक्ति का भी हो सकता है, तो ये प्रकृति शब्दों को नहीं समझती। शब्दों द्वारा क्या बोला जा रहा है? शब्द अपने आप में एक ऊर्जा है और बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उनके वो रिजल्ट नहीं हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये प्रकृति शब्द तो समझती ही नहीं है, ये किसी भाषा पर तो काम करती ही नहीं है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके जीवन में आ रहा है, वो एक ऊर्जा है और धन भी एक ऊर्जा है। आप यदि बहुत खूबसूरत हैं तो ये खूबसूरती भी एक ऊर्जा है, इसे भी आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। अगर आप बहुत धनवान हैं तो धन भी एक ऊर्जा है, इसे आपने अपने जीवन में अट्रैक्ट किया है। और अगर आप बहुत खुश मिजाज हैं, हमेशा हल्कापन महसूस करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने इस प्रकृति द्वारा अट्रैक्ट किया है। यानी खुशी की ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है, धन की ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है, खूबसूरती की ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है तो ये सारा ऊर्जा का गेम, और आपने उस ऊर्जा को इस प्रकृति से अपने लिए लिया है। क्योंकि इस प्रकृति में तो हर प्रकार की ऊर्जा बेहिसाब है। अब ये आप है कि आप किधर फोकस करके किस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, और ये प्रकृति किस व्यक्ति को चुनती है अपनी उस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए। ये प्रकृति अपनी ऊर्जा प्रदान करने के लिए उस व्यक्ति को चुनती है जो व्यक्ति उस ऊर्जा के प्रति, उस वस्तु के प्रति अपने प्रेम का, अपने सम्मान का प्रदर्शन करता है। जिसके मन में ये भाव होता है कि ये ऊर्जा मेरे द्वारा अनेकों के कल्याण की निमित्त बने, क्योंकि प्रकृति भी एक जरिया ढूंढती है, उस ऊर्जा के प्रवाह का जरिया। तो जब एक प्रेम और सम्मान की ऊर्जा उस वस्तु के प्रति आपके द्वारा इस प्रकृति में जा रही है, तो प्रकृति आपको उस चीज़ का जरिया चुनती है कि आप के थ्रू होते हुए वो ऊर्जा, क्योंकि धन हो, चाहे खूबसूरती हो, चाहे खुशी हो, हर चीज़ एक ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा आपके द्वारा फ्लो होती हुई, अनेकों का कल्याण करती हुई वापस आपके पास लौट के आए। प्रकृति आपको यदि किसी वस्तु का जरिया चुन रही है, तो आपने उस वस्तु के प्रति ज़रूर अपनी एक बहुत गहरी फीलिंग्स, प्रेम की, रिस्पेक्ट की फीलिंग्स, उस वस्तु के प्रति चाहत की फीलिंग क्रिएट करी होगी कि वो ऊर्जा जो इस प्रकृति में बेहिसाब है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। जो लोग बहुत धनवान होते हैं, उन लोगों के मन में ये भाव नहीं होता, वो लोग इस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट नहीं करते कि मैं बहुत रईस बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। इनडायरेक्टली कभी शायद उन्हें ये बात पता भी नहीं होती कि वो इस प्रकार की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की ऊर्जा क्रिएट कर रहे होते हैं कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो जो जरिया बने बहुत सारे लोगों का कल्याण करने का, वो मुझसे होकर गुजरे और अनेकों के कल्याण का जरिया बने। और ये शब्दों के रूप में, कोई चेतन रूप में विचार क्रिएट नहीं किए जा रहे होते, ये अब चेतन रूप से हमारे अंग संग होते हैं, ये भाव हमारे साथ हर वक्त होता है, तब वो ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और ये हर चीज़ पे, चाहे वो धन हो, खूबसूरती हो या खुशी हो, जो भी ऊर्जा आपके जीवन में है उसके ऊपर ये नियम लागू होता है। इसी तरह इस प्रकृति में खूबसूरती की ऊर्जा अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो आपने अपने प्यार और सम्मान को अप्रिशिएट किया है, आपने खूबसूरती को, आपने खूबसूरती के प्रति अपने प्यार और सम्मान को दर्शाया है, ना कि जलन क्रिएट करी है। क्योंकि आपने सुंदर, सकारात्मक, प्रेम का, रिस्पेक्ट का भाव खूबसूरती के प्रति क्रिएट करा, इसलिए इस प्रकृति ने आपको खूबसूरती प्रदान करी। और यदि आपने इस भाव को और ज़्यादा क्रिएट किया, हर व्यक्ति में छुपी खूबसूरती को ही निहारा, उसे ही अप्रिशिएट किया, तो ये प्रकृति और अधिक आपको खूबसूरती और धन प्रदान करने का जरिया बनाती है।
हकीकत में बहुत साधारण नियम कार्य कर रहा है। जिस वस्तु के भी प्रति आप अपना प्रेम और सम्मान जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो भाव जबरदस्ती क्रिएट नहीं कर रहे हैं, नेचुरली आपके अंदर फ्लो हो रहा है, वो वस्तु उसी अनुपात में आपको प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से खूबसूरती, खुशी और धन, ये भी एक ऊर्जा है। जब आप इसके प्रति अपना प्यार और सम्मान प्रदर्शित करते हैं तो ये प्रकृति ये भी आपको प्रदान करती है। और ऊर्जा का स्तर क्या है, वो क्या आप, यदि आप धन चाह रहे हैं तो सिर्फ आप अपने कल्याण के लिए धन चाह रहे हैं, या आप सिर्फ अपनों के कल्याण के लिए धन चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि ये धन मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों के कल्याण की वजह बन जाए, तो जो अनुपात है आपके चाहने का उस अनुपात में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से एक बात कही जाती है कि जब आप खुशी बांटते हैं तो आपको रिटर्न में कई गुना खुशी मिलती है, तो ये भी एक खुशी भी एक ऊर्जा ही है। तो जब आप दूसरों को सुकून और खुशी देने की वजह बनते हैं तो ये प्रकृति रिटर्न में आपको वही खुशी कई गुना करके रिटर्न करती है। और इसी के साथ साथ इसी तरह के लोग जो अपने जीवन में कुछ विशेष हासिल कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हासिल करें, वो उस ऊर्जा के प्रति बहुत गहरा एक विश्वास भी प्रदर्शित करते हैं। उनका विश्वास किस हद तक गहरा होता है, उनका फोकस किस हद तक क्लियर होता है। जैसे कि यदि ज़मीन पे एक फट्टा रख दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आप दौड़कर उस फट्टे को क्रॉस कीजिए, तो आप बड़ी आसानी से पूरे विश्वास के साथ उस फट्टे के ऊपर आराम से चलते हुए दौड़ते हुए उसे क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आप गिरने वाले नहीं हैं, आप जानते हैं आप नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि वो फट्टा ज़मीन पे ही रखा है, इसलिए आपका पूरा विश्वास है इस बात पर कि आप नहीं गिरेंगे, आप बड़े आराम से एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे। और यदि स्थिति बदल जाए, वही फट्टा ज़मीन पे ना होकर हवा में हो, एक इमारत से दूसरी इमारत के बीच में, और फिर आपको उस फट्टे के ऊपर चल के जाना हो, तो आप नहीं चल पाएंगे, आप बहुत डरेंगे, एक एक कदम बड़ा संभल के रखेंगे, आपको डर लगेगा कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। यानी उसी फट्टे के हवा में आने के बाद आपका विश्वास खत्म हो गया। अब आपका विश्वास नहीं था कि आप उस फट्टे पर चलकर बड़े आराम से बिना किसी चोट को खाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और यही विश्वास की कमी रीजन हो सकता है कि आप पहुंच भी ना पाए, शायद आप उस फट्टे पर चलकर उस रास्ते को क्रॉस कर ही ना पाए, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो चुका है, आपको डर लग रहा है कि आप गिर जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो लोग अपने जीवन में कुछ भी विशेष हासिल करते हैं, उनका विश्वास, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, वो फट्टा चाहे हवा में हो चाहे जमीन पे हो, उनका विश्वास बहुत बहुत मजबूत होता है कि वो इस फट्टे को क्रॉस कर ही जाएंगे। ऐसे ही जो लोग अपने जीवन में बहुत धन हासिल करते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने जीवन में हासिल करते हैं, या बहुत ज़्यादा आनंदित रहते हैं, या एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे के साथ इस धरती पर पैदा होते हैं, उनके पास उस चीज़ के प्रति जो ऊर्जा वो क्रिएट कर रहे हैं, वो उस चीज़ के प्रति बहुत प्रेम की, रिस्पेक्ट की, विश्वास की है, और उनका पूरा फोकस उस सकारात्मक ऊर्जा की तरफ है, इसलिए वो उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। संजय जी का एक प्रश्न आया था कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अंबानी की तरह रईस हैं और कुछ लोग जीवन भर मेहनत ही कर